नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर विकास सेवा संस्थान की स्थापना के 19 वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 97 भामाशाह डॉक्टर और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा थे। विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल AS संधु और अध्यक्षता भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री DD शर्मा ने की। विकास सेवा संस्थान के अध्यक्ष ब्रिगेडियर नरेंद्र मल संघवी ने संस्था का परिचय देते हुए बताया कि संस्थान के अंतर्गत फिजियोथेरेपी सेंटर, डेंटल हॉस्पिटल, डायलिसिस मशीनों और विभिन्न डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। संस्थान प्रतिवर्ष लगभग 36,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करता है। सम्मान समारोह में 43 भामाशाह, 33 चिकित्सक और 21 समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि घनश्याम ओझा ने कहा कि ऐसी समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित किया जाता है। मेजर जनरल AS संधु ने कहा कि राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत समाज की सेवा करने वाली संस्था धन्यवाद की पात्र है। परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री DD शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि भारत विकास परिषद की पहचान पूरे देश में संस्कार युक्त सेवा कार्यों से है। देश में 1800 से अधिक शाखाओं के माध्यम से सेवा और संस्कार के कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की ओर से विकास सेवा संस्थान के संस्थापक ब्रिगेडियर सिंघवी को प्रशस्ति पत्र और शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। रीजनल सचिव सेवा भवानी शंकर गौड़ और राकेश श्रीवास्तव ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में विकास सेवा संस्थान की 19 वर्ष की यात्रा पर निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कार्यक्रम का कुशल संचालन अनिल गोयल ने किया और संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश सेठिया ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रांत अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, संगठन मंत्री गिरीश लोढ़ा, प्रांत वित्त सचिव रामकिशन भूतड़ा, दिनेश पेड़ीवाल, डॉक्टर दर्शन ग्रोवर, महेंद्र लुनावत, NR राय, भंवरलाल जांगिड़, SP शर्मा, सुनील माथुर, कृपा नारायण माथुर, डॉक्टर प्रभात माथुर, राजीव दुबे, प्रदीप गट्टानी, राजेंद्र मेहता, हरि कृष्णानी, श्रीमती गायत्री भारद्वाज और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ये विकास सेवा संस्थान जो है भारत विकास परिषद का एक पार्ट बनाया हमने और इसके ऊपर सबसे पहला काम हमने फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। ये फिजियोथेरेपी सेंटर प्रताप नगर में बनाया ताकि वहाँ के गरीब लोग प्रताप नगर के, सूरसागर के और अपने कमला नेहरू नगर के ये लोग सब उसका फ़ायदा उठा सकें। जब शुरू किया था हमने 2005 में तो सिर्फ फिजियोथेरेपी सेंटर लेके शुरू किया। उसके बाद हमने धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू किया, डिजिटल एक्सरे लगाया, डेंटल मशीन लगाई और फिजिशियन, ENT वाला, गायनोकोलॉजी वाला सब डॉक्टर, एक मिनी हॉस्पिटल सा बना दिया हमने। हमारे पास में शुरू में तो करीब 15-20 लोग रोज आते थे, आज की तारीख में 150 से 200 लोग रोज आ रहे हैं और बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। हमने फीस जो हमारी है बहुत ही कम है, पूरे महीने की फिजियोथेरेपी करने में 450 रुपये हैं। कोई भी तरह के डॉक्टर से आपको इलाज करना है, उससे मिलना है तो 40 रुपये फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस से 40 रुपये। दांतों के जो काम हैं, रूट कनाल वगैरह, बाजार से एक तिहाई हम चार्ज करते हैं, बाकी सब सहयोग मिलता है हमें जनता से, पैसा आता है, काम बराबर चल रहा है। काफ़ी अल्टीमेटली हमें दिमाग में आया कि हमें किडनी वाली प्रॉब्लम आती है लोगों को, तो डायलिसिस लगाएं, तो दो मशीन डायलिसिस अभी हमने पिछले 3 साल से लगाई है और उसका पूरा फ़ायदा बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। इंजेक्शन, डायलाइजर सब एवरीथिंग फ्री, बिल्कुल फ्री डायलिसिस दे रहे हैं। ये सेंटर चलाते हमको 19 साल हो गए, आज 20वां स्थापना दिवस है और सब लोग यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उसमें जो भामाशाह हैं और सेवा वाले हैं वो दोनों लोग तरह के हैं हमारे पास में। परिचय सर, परिचय, मैं ब्रिगेडियर, मेरा नाम ब्रिगेडियर NM सिंह भी है, वेटनरी डॉक्टर हूँ लेकिन डॉक्टरेट किया हुआ है और यहीं काम कर रहा हूँ और फौज में रहा। मैं 34 साल फौज में नौकरी की और अब रिटायर होने के बाद आज 27 साल से यही काम कर रहा हूँ, सेवा का काम कर रहा हूँ।